जमीन धोखाधड़ी मामले में 120 लोगों के खिलाफ इनाम की घोषणा की गई है। पुराने प्रकरणों का निकाल भी किया जा रहा है। इसके साथ ही फरार भूमाफियाओं की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जमीन के बड़े खेल कर आम जनता से उनकी खून पसीने की कमाई छीनने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस का रवैया सख्त है। लगातार पुलिस द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी पूर्व द्वारा धोखाधड़ी के पुराने प्रकरणों में फरार 120 लोगों पर इनाम भी घोषित किया है। इसके साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है, जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि पुराने पेंडिंग अपराधों का निकाल हो रहा है। हाल ही में भूमाफिया केशव नाचानी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिससे धोखाधड़ी से संबंधित दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्दी अन्य फरार भूमाफियाओं की कार्रवाई की जाएगी। इसमें काफ़ी करीब 120 लोगों के खिलाफ इसमें अपराध इसमें जो है इनाम घोषित हो चुका है, जो भी अपराध हैं, और इसमें लगातार ये कार्रवाई चली रही है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत सारे जो अपराध पेंडिंग थे, अब उनका धीरे धीरे करके निकाल हो रहा है और कुछ एक जो अपराधी है वो पकड़े जा रहे हैं। जो पुराने भूमाफिया हैं, जो उनकी दीपक मदासी जो थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर समझते हैं, इसमें कंटिन्यूसली प्रयास चल रहे हैं इसके। और आपने देखा होगा कि अभी जो SIT थी, उसमें मरकाम और उनकी टीम ने इसको गिरफ्तार भी किया है, केशव नाचानी को, और बाकी के भी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपना भरसक प्रयास कर रही है। और हमें उम्मीद है कि ये भी जल्दी ही पकड़ में आएंगे। तो वो शिकायतें हैं सर, आम जनता पहुंची आप तक? हाँ बिल्कुल, आम जनता की लगातार शिकायतें मिल रही हैं और हम उसको देख भी रहे हैं। तो जो शिकायतें इनसे रिलेटेड हैं, उनको हम, चूँकि एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसका होलिस्टिक, तो इसमें जो भी इनकी शिकायतें हैं, जब इसका एक निराकरण होगा तो उनकी शिकायतों का स्वतः ही निराकरण होगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।